नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है मोबाइल शॉप। आपकी अपनी मोबाइल शॉप नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है और साउथ वेस्ट फेसिंग है, यानी आपकी जो शॉप है वो टू साइड ओपन है। उसमें आपने अपनी दुकान के अंदर, अपने शोरूम के अंदर सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है और साउथ वेस्ट फेसिंग है, इसमें आपने जो एंट्रेंस बनानी है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनानी है। बाहर का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। बाहर के एरिए में नॉर्थ वेस्ट साइड भी और साउथ वेस्ट साइड भी आपने जो पत्थर लगाना है, जो स्टोन लगाना है, वो वाइट कलर का या ग्रे कलर का ही लगाना है। बाहर का जो ओपन एरिया है वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। यदि ऊंचा नीचा है तो आप उसे स्मूथ कराएं, प्लेन कराएं। जब आप उसे प्लेन कराएं तो वहाँ पर वाइट या ग्रे कलर का पत्थर जरूर लगाएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ फ्रंट के भाग में, यानी नॉर्थ वेस्ट के भाग में शटर के ऊपर जो कलर करना है वो वाइट कलर या ग्रे कलर ही आना चाहिए। इसी के साथ जो आपका साउथ वेस्ट के भाग में शटर लगा हुआ है, उस शटर के ऊपर आपने पीच कलर करना है। जो आपका साउथ वेस्ट का भाग साउथ कॉर्नर से लेके वेस्ट कॉर्नर तक है, यहाँ पर आपने लगभग 3 फीट की सॉलिड वॉल बनानी है और उसके ऊपर आपने ग्लास फिक्स करवाना है। इस भाग में, यानी साउथ वेस्ट के भाग में वेस्ट से लेके साउथ तक, यहाँ पर आपने अपनी डिस्प्ले भी करनी है और स्टोरेज भी करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके यहाँ जो एंट्रेंस है वो कहाँ से होनी चाहिए। आपकी एंट्रेंस नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट के भाग से आपकी अपनी एंट्रेंस होनी चाहिए, यानी जो एल्युमिनियम का जो गेट लगेगा, जो ग्लास का डोर लगेगा, वो आपका नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट के भाग से लगेगा। यहाँ से आप अंदर आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्प्ले के बारे में, आपने डिस्प्ले और स्टोरेज कहाँ कहाँ करनी है। इससे पहले मैं आपको आपकी दुकान के फर्श की ढलान के बारे में बताना चाहूँगा। दुकान की जो फर्श की ढलान है वो कहाँ होनी चाहिए। आपके यहाँ जो फर्श की ढलान है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान होनी ही चाहिए। इसी के साथ जो आपकी शॉप है, जो आपका शोरूम है, इसमें दीवारों का जो कलर है वो क्रीम कलर होना चाहिए। जो सीलिंग है, सीलिंग आपने कंप्लीट वाइट करानी है। जब आप सीलिंग वाइट कराए तो उसके अंदर वायलेट कलर नहीं डलवाना है। जैसा कंपनी से वाइट पेंट आएगा वैसा ही पेंट आपने सीलिंग के अंदर करवाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज और डिस्प्ले किस प्रकार करनी है। सबसे पहले जो आपकी साउथ वेस्ट की वॉल है, यहाँ पर आपने साउथ कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक फर्श पर, यानी फर्श से लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंची नीचे के भाग में आपने स्टोरेज करनी है और ऊपर के भाग में आपने अपने मोबाइल्स की, अपनी एसेसरीज की डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर आपने डिस्प्ले प्लस स्टोरेज करनी है। बाहर के भाग से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी और अंदर के भाग से भी डिस्प्ले हो जाएगी और नीचे के भाग में आपकी स्टोरेज हो जाएगी। अब इसके साथ जो आपका साउथ ईस्ट का भाग है, यानी ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ कॉर्नर तक, आपने यहां पर भी अपनी डिस्प्ले करनी है। ऐसे ही आप फ्रंट के भाग में भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट के भाग में गेट का एरिया छोड़ के, जो एंट्रेंस डोर है वो छोड़ के, यहां पर भी आप अपनी मोबाइल प्लस मोबाइल एसेसरीज की भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ काउंटर की सेटिंग कैसे होनी चाहिए। काउंटर आपने एल शेप में आपका अपना काउंटर आ जाएगा और अंदर जाने का जो रास्ता बनाना है वो रास्ता आपने यहां से, काउंटर के इस भाग से आपने
अपना अंदर जाने का रास्ता बनाना है। दूसरी एंट्रेंस आपने कहाँ बनानी है? दूसरी एंट्रेंस आपने यहाँ पर, इस भाग से आपने अपने काउंटर के अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है। ऑनर की जो सीटिंग है, ऑनर की सीटिंग वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट के भाग में बनेगी। स्टाफ के जितने भी मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने, उसके हिसाब से आप अपने स्टाफ की सीटिंग बना सकते हैं। ओनर काउंटर पर कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन वेस्ट से साउथ वेस्ट होते हुए साउथ तक, साउथ वेस्ट की दीवार के साथ यदि ओनर बैठता है तो ये सीटिंग ओनर के लिए सबसे बढ़िया बनती है। जो आपका अपना काउंटर है, काउंटर के ऊपर के भाग में, टॉप में ग्लास लगेगा और नीचे के भाग में आपके मोबाइल की डिस्प्ले हो जाएगी, और काउंटर का जो नीचे का भाग है उस भाग में भी आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी आप ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी रख सकते हैं, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी आप पीने का पानी रख सकते हैं। मंदिर आपने अपने यहाँ कहाँ बनाना है? मंदिर आपने साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना मंदिर बनाना है। कस्टमर के बैठने के लिए जो सीटिंग बनानी है वो सीटिंग आपकी काउंटर के ठीक सामने बन जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी नई दुकान की, नए शोरूम की सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में यदि स्टेयर्स बनी हुई है, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनी हुई है और उसका जो रास्ता है वो बाहर के भाग से है, और स्टेयर्स के नीचे का हिस्सा आपकी शॉप के अंदर आता है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है स्टेयर्स के नीचे का भाग हमेशा खाली रखना है। आप स्टेयर्स के नीचे वाले भाग में सिर्फ पीने का पानी तो रख सकते हैं, बाकी आपने यहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की कोई स्टोरेज नहीं करनी है। आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में पीने के पानी के सिवाय और कुछ नहीं रखना है, ना आपने यहाँ पर झाड़ू रखनी है, ना ही डस्टबिन रखना है, और ना ही यहाँ पर आपने पोछा रखना है, यानी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के भाग में आप पीने का पानी ही रख सकते हैं। और ध्यान रखना है 2 दिन में 3 दिन में इसके नीचे की सफाई जरूर करवानी है। इस प्रकार सीटिंग और सेटिंग करने से आपकी दुकान अच्छी चलेगी। यदि आप मेरे से और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।